हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। लेकर आगे एक नया वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए। तो गाइस, फिर से स्वागत है हमारी टेक्सन राजू की और एक नया वीडियो में। तो गाइस, आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज का वीडियो क्या होने वाला है। जी हाँ गाइस, ये सलम वगैरह हो रहा है कुछ क्रिएटर के साथ। सो गाइस, क्या प्रॉब्लम हो रहा है सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे और कैसे इसको समाधान करना है या सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है उसका उपाय भी हम इस वीडियो में बताएंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल कर दो क्योंकि हमारे नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बहुत सारे बंदे ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, जो मेरे 5000 या 2000 बहुत सारे बंदे का सब्सक्राइबर्स है लेकिन 50 या 20 व्यूज आ रहा है, तो यानी उसका जो 200 या 500 व्यूज तो आना ही चाहिए इतना सब्सक्राइबर्स है, तो ये सब प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है। तो गाइस ये क्यों हो रहा है? तो गाइस पहले बता देता हूँ, आपका अगर सब्सक्राइबर्स ज्यादा है और सब्सक्राइबर्स से आपका एक भी व्यूज वगैरह डाउन हो रहा है लेकिन आपका सब्सक्राइबर्स बहुत है लेकिन व्यूज बहुत ही कम हो रहा है, तो आप लोगों को समझ लेना है जी हमारे चैनल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि हमारा जो चैनल है चैनल में बहुत सारे तकलीफ आ जाएंगे। तो गाइस क्या है, देखो गाइस, अगर आपका व्यूज ज्यादा आए तो अच्छा है लेकिन सब्सक्राइबर्स ज्यादा है लेकिन व्यूज कम आए तो आपका CTR यानी इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, ये क्लिक थ्रू रेट कम हो जाता है। इसके जो भी वीडियोस आप डालते हो वो वीडियो जिंदगी भर में कोई भी दिन वायरल नहीं होगा, क्योंकि ये जो वीडियोस वगैरह है इसको CTR नहीं मिल रहा है, तो उस इस तरह का वीडियो जो है आपका CTR जो नहीं मिल रहा है वो डाउन में आ जाएगा, व्यूज का डाउन में। सो गाइस ये वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगा, आप लोगों को समझ लेना। तो गाइस पहले बता देता हूँ ये प्रॉब्लम वगैरह क्यों होते। तो गाइस आप लोगों को बहुत सारे अब सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे ऐसे लोग, जो टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज करता है जो मुझे 500 या 1000 पैसे दो, पेमेंट करो और स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको 1000 या 500 सब्सक्राइबर्स दे दूंगा। तो ये बहुत सारे बंदे कहते हैं। तो गाइस क्या है, ये जो सब्सक्राइबर्स है ये सब पूरा का पूरा फेक सब्सक्राइबर्स है यानी डेड सब्सक्राइबर्स है। वो जो सब्सक्राइबर्स उसके पास अगर वीडियो जाए है, गया है, नोटिफिकेशन यूट्यूब ने दिया है, तो आपका वीडियोज में क्लिक नहीं करेगा, अगर क्लिक नहीं किया तो CTR आपका लो हो जाएगा, उससे आपका वीडियोज का आपका चैनल में बहुत ही दिक्कत आ सकती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपको ऐसे कोई भी चाल में नहीं फंसना है, आपको ज्यादा अगर देखो मेहनत करोगे तो भी ग्रो करोगे, अगर मेहनत नहीं किया पैसे से कोई काम चला लेते हो जो जल्दी में हो जाए तो आपका दिक्कत आएगा ही आएगा, लेकिन शॉर्टकट का जो वे होते हैं वो बहुत ही बुरा होते हैं। सो गाइस आपको ऐसे गलती मत करना है, किसी से सब्सक्राइबर्स नहीं खरीदना है और साब ये सब वगैरह कुछ भी नहीं करना है, तो आपका व्यूज यानी एक दिन या आपका एक महीने में या दो महीने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन आ सकती है आपका फ्यूचर में। सो गाइस ऐसी गलती कभी भी मत करना, यूट्यूब हर एक दिन नया नया अपडेट दे रहा है, तो कभी एक अपडेट दे दिया जाए तो आपका चैनल रिमूव भी हो सकती है जब कोई नया अपडेट दे देता है। तो गाइस आपको ऐसी गलती कभी मत करना है, आपको सिर्फ करना है जो आपका जेन्युइन कंटेंट पे आपका खुद से लोग ब्राउज फीचर से देखकर आपका सब्सक्राइब करे, आपका वीडियो पसंद करेगी तो सब्सक्राइब करे, और आपका जो भी बंदे देखेगा वही आपका अगर इंटरेस्ट है तो ही आप को सब्सक्राइब करेगा, और सब्सक्राइब करेगा तो आपका हर एक दिन हर एक वीडियो देखेगा वो बंदा, तो आपका चैनल के लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात है जो फ्रेंड्स को, आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी को शेयर नहीं करना, आप अगर इंटरेस्ट है तो शेयर करो, जो भी फ्रेंड्स आपका पूरा का पूरा वीडियोस देखते हैं, वीडियोस वगैरह आधा ही छोड़ देता है, क्लिक नहीं करता है, सब्सक्राइब करके रख देता है लेकिन वीडियोस वगैरह नहीं देखता है, तो उससे आपका CTR लो हो सकती है, वीडियो में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, उसके बाद आपका वीडियोस कोई भी वीडियो वायरल नहीं होगा। तो गाइस ये है प्रॉब्लम बहुत बड़ा और ये सब वगैरह चीज नहीं करना है। और तीसरा जो प्रॉब्लम है ये आपको क्या करना है, आपका वीडियोस वगैरह अच्छे से व्यूज वगैरह आ रहे एक दो महीने या एक ईयर दो ईयर चला लेते हो, उसके बाद आपको अचानक क्या करते
बहुत सारे क्रिएटर्स है जो बड़े बड़े चैनल है उसने बंद कर दिया, अचानक बंद कर दिया अपलोड करना वीडियो। तो गाइज आपका वीडियोस जो 1 लाख यानी 2 लाख जो भी मेंबर्स है, जो भी सब्सक्राइबर्स है, उसने 2-3 महीना वीडियो नहीं देखा आपको। सो गाइज आपका चैनल डेड भी हो सकती है। तो क्या करना है, आपका जो भी वीडियोस अगर 2 महीने बाद आपका कोई भी वीडियोस रिलीज होए, आप पब्लिश करें, तो उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो क्लिक भी नहीं करेगा। तो आपका वीडियोस ऐसे नहीं करना है आपको। देखो गाइज अगर आपका 1 लाख सब्सक्राइबर से आप 2-3 महीने बाद वीडियोस पब्लिश करते हो तो क्या ही फायदा यार, सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर देगा तंग आकर। तो आपको ऐसी गलती कभी मत करना है, आपको सिर्फ करना है जो भी जेन्युइन कंटेंट बनाओ और उससे जो सब्सक्राइबर्स आपको मिलते हैं, इंटरेस्ट सब्सक्राइबर्स, उसको ही सब्सक्राइब में रखो, सब्सक्राइबर्स लिस्ट में रखो और किसी को भी नहीं। तो आपको रेगुलर वीडियोस बनाना है, रेगुलर अपडेट देना है, कोई भी कुछ भी रेगुलर पोस्ट करना है। आप मान लो 1 दिन या 2 दिन बाद कर सकते हो, लेकिन 1 महीने या 2 महीने ऐसे लेट नहीं करना है, आपका चैनल के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है, बड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी बहुत सारे चैनल है, उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे चैनल है जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइज ऐसी गलती कभी मत करना। और गाइज और एक बात, आपका जो भी सब्सक्राइबर्स है, देखो गाइज अगर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो शॉर्ट्स में, अगर आजकल जो शॉर्ट्स ट्रेंड चल रहा है, शॉर्ट्स में डांस वीडियो कोई भी टिकटॉक वगैरह ये सब डाल देते हैं, कोई भी जगह से इंस्टाग्राम रील्स वगैरह डाल देते हैं। मान लो आपका टेक के चैनल है, आप रील्स बना लो, कोई भी डांस वगैरह कॉमेडी वीडियोस डाल दो, तो क्या होगा, वो जो सब्सक्राइबर्स है आपका कॉमेडी इंटरेस्ट सब्सक्राइबर्स होगा। जो भी आप रील्स डाल रहे हो जो तो वो टिकटॉक वीडियोस वगैरह देखने में पसंद करता है, ये सब वगैरह सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। तो सब्सक्राइबर्स उसके पास, अगर आप टेक वीडियोस डालते हो तो उसमें अगर सब एक चैनल में डाल देते हो तो क्या होगा, आपका जो भी सब्सक्राइबर्स है वो अलग अलग टाइप का सब्सक्राइबर्स होगा, आपका वीडियोस नहीं देखेगा। जो टेक का है वो कॉमेडी वीडियो क्यों देखेगा, जो गेमिंग का है वो कॉमेडी वीडियो क्यों देखेगा, ऐसे कुछ बात हो जाएगा। तो आपका ऐसी गलती कभी मत करना। सो गाइज ऐसी गलती अगर नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा चैनल में। तो गाइज जो भी आपका चैनल का कैटेगरी है, मान लो मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी है, तो मैं टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग, यूट्यूब टिप्स ट्रिक्स बताता हूँ, ये सब वगैरह डालते हो। मेरे चैनल में कोई भी डांस वगैरह ये सब वीडियो आपको नहीं मिलेगा। सो गाइज आपका जो भी कैटेगरी का चैनल है उसमें वही कैटेगरी का वीडियोज डालो तो अच्छा है, तो अगर नहीं डालो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सो गाइज ये बात है, और आपका व्यूज डाउन होगा ये सब वगैरह से, ये सब वगैरह अगर रिमूव करो, ये सब नहीं करो तो आपका व्यूज नहीं डाउन होगा, डाउन नहीं होगा और आपका चैनल ग्रो होगा, हर एक वीडियो वायरल होगा। तो ऐसे ही आपको सिर्फ जेन्युइन कंटेंट बनाना है और आपका वीडियो को वायरल करना है, ऐसे ही आपका बात है। तो गाइस मेहनत करिए और आगे बढ़िए। सो गाइस उम्मीद करते हो वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, तो लाइक कर देना यार, चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल कर दो क्योंकि हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के। और गाइस फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, जाकर फॉलो कर दो अगर मन हो तो। सो गाइस आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे किसी कॉन्टेंट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।